गवर्नमेंट से मिल सकता है 50,000 से 2 करोड़ तक का लोन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें फंड्स की जरूरत तो पड़ती ही है। सरकार इस इनिशियल फंडिंग में आपको हेल्प करती है ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जो कि MSME सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब कि जो छोटे बिजनेस होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करती है उसके बारे में। साथ ही साथ हम डिटेल में समझेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी अप्लाई करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम कितना अमाउंट प्रोवाइड कर सकती है फॉर योर रिस्पेक्टिव बिजनेस। चलिए, अब जो सबसे पहली गवर्नमेंट स्कीम है उसका मोटो है फंड द अनफंडेड, और ये गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और लव्ड MSME स्कीम्स में से एक है। अब ये स्कीम स्मॉल बोरोवर्स को अलाउ करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि PSU बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कॉपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से 10 लाख रुपीज तक का बोरो करने के लिए फॉर नॉन फार्मिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास नॉन फार्म सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस प्लान है और 10 लाख रुपए से कम क्रेडिट की नीड है, वो बैंक को अप्रोच कर सकता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी कि मुद्रा लोन्स के लिए। अब इस स्कीम में 3 टाइप के लोन्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला वाला है शिशु, जिसमें कि मैक्सिमम 50,000 तक का लोन इजीली अवेलेबल होता है। सेकंड होता है किशोर, जिसमें कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन्स अवेलेबल होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है तरुण, जिसमें कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन्स अवेलेबल होते हैं। अब शिशु, किशोर और तरुण बिजनेस की स्टेज और फंडिंग की नीड्स को सिग्निफाई करते हैं। इसमें से जो सेक्टर्स कवर होते हैं वो कुछ इस तरह से है। लैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अब इसमें परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर गुड्स एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो रिक्शा, स्मॉल गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ई रिक्शा, टैक्सीज एक्सेट्रा को खरीदने के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज जैसे कि सैलॉन्स हो गए या फिर ब्यूटी पार्लर्स, जिमनेजियम्स, बुटीक्स, टेलर शॉप्स, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल एंड मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप्स एक्सेट्रा में हेल्प की जाती है। अब इसके बाद आता है फूड प्रोडक्ट सेक्टर यानी कि स्वीट शॉप्स, स्मॉल सर्विस फूड स्टॉल्स एंड डे टू डे केटरिंग, कैंटीन सर्विसेज, कोल्ड चेन व्हीकल्स, कोल्ड स्टोरेजेस एक्सेट्रा के लिए लोन दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर, कॉटन गिनिंग, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एंड अदर टेक्सटाइल नॉन गार्मेंट प्रोडक्ट्स सच एज बैग्स, व्हीकल एक्सेसरीज, फर्निशिंग एक्सेसरीज एक्सेट्रा के लिए लोन दिया जाता है। अब इस स्कीम में कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई भी कोलैटरल यानी कि आपको कुछ भी इसमें गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसका रीपेमेंट पीरियड 5 ईयर्स होता है और इंटरेस्ट रेट्स शिशु मुद्रा योजना के लिए 1 से लेकर 12% है, किशोर मुद्रा योजना के लिए 8.6 से लेकर 11.15% और तरुण मुद्रा योजना के लिए 11.15 से लेकर 20% के बीच में हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो किसी भी एप्लीकेंट को ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि एप्लीकेंट किसी भी बैंक से डिफॉल्टर ना हो। मुद्रा योजना के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब अगली स्कीम, ये स्कीम स्पेसिफिकली वुमेन और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को प्रमोट करने के लिए है। इसको SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए बोरो किया जा सकता है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसको स्कीम का बेनिफिट लेना है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उस फर्म का 51% स्टेक या तो वुमेन या फिर किसी शेड्यूल कास्ट या फिर ट्राइब एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए और एज 18 इयर्स से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम आपको आपके टोटल बिजनेस बजट का 75% अमाउंट एज लोन प्रोवाइड करती है। इसका रीपेमेंट शेड्यूल मैक्सिमम 7 इयर्स का होता है, साथ ही साथ इसका मॉरेटोरियम मैक्सिमम 18 मंथ्स का हो सकता है और इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की जरूरत पड़ती है और इसमें इंटरेस्ट रेट जो है बैंक की MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट 3% प्लस टेनोर प्रीमियम होता है। अब आप इस बैंक के थ्रू ये लोन को प्रोसेस करवा सकते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, अब ये एक ट्रस्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर ये आता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें भी आपको कोलैटरल फ्री लोन ही मिल जाता है। अगर आपका कोई न्यू बिजनेस है या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कि MSME के अंडर लाया करता है
तो फिर आप 2 करोड़ तक का लोन का इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। इस लोन के तहत आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, किसी एजुकेशनल सेक्टर में हो, किसी फाइनेंस सेक्टर में हो, तो आप इस लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। 2 करोड़ तक की ये क्रेडिट फैसिलिटी, अब चाहे वो कोलैटरल फ्री टर्म लोन हो या फिर वर्किंग कैपिटल, किसी भी एमएसएमई इंडिविजुअल के लिए तभी अवेलेबल होता है जब एक गारंटी फी बैंक को दी जाती है उस एमएसई इंडिविजुअल के थ्रू। अब इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होते हैं, लेकिन जो गारंटी फी होती है वो टोटल सैंक्शन अमाउंट का 1% होता है। इस स्कीम की पूरी गाइडलाइन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्कीम देखते हैं। इस स्कीम को वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसमें मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आराम से अवेल कर सकती हैं। इस स्कीम को मेनली बैकवर्ड एरियाज की वुमेन के लिए स्टार्ट किया गया था। इस स्कीम का नाम है उद्योगिनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, जिसमें पहले मैक्सिमम लोन अमाउंट जो था वो 1 लाख का था, अब उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ लोन अमाउंट पर गवर्नमेंट 30% सब्सिडी भी देती है। अगर कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रोसरी वर्क या फिर बेकरी, पिकल ट्रेड, फिश बिजनेस, स्यूइंग का बिजनेस, ब्यूटी पार्लर, एसटीडी बूथ एक्सेट्रा का बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, तो वो एलिजिबल होती है इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए। अब इसी के साथ ही साथ इनकम सीलिंग को बढ़ाकर 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपीज अप कर दिया गया है और एज लिमिट भी इसमें बढ़ाकर पहले जो 45 थी उसको 55 कर दिया गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। जो भी एप्लीकेंट हो वो सबसे पहले तो वुमन होनी चाहिए, इनकम 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और एज 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में इसके रिक्वायर्ड होंगे इस स्कीम के लिए, वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। तो ये 4 ऐसी स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और फंड्स की तलाश में हैं, या फिर अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।